व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आई एम दिनेश कुमार, बिजनेस एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आई हैव बीन अवार्डेड एज बेस्ट ट्रेडर ऑफ इंडिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है करंट शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 200 रुपीज है और उस कंपनी में मान लो 5 करोड़ शेयर है, तो उस कंपनी का अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालूं तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 200 × 5 करोड़, मतलब 1000 करोड़। इसका मतलब यह है कि अगर मैं उस कंपनी का 100% शेयर खरीद लूं तो उस कंपनी का 100% ऑनरशिप मेरा हो जाएगा। तो अगर उस कंपनी का 100% शेयर खरीदना है तो मुझे 1000 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है स्मॉल कैप कैटेगरी, एक होता है मिड कैप कैटेगरी, एक होता है लार्ज कैप कैटेगरी। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में है वो मिड कैप कैटेगरी में आता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 करोड़ से हायर है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्मॉल कैप के लिए यही रेंज होना चाहिए या मिड कैप के लिए यही रेंज होना चाहिए या लार्ज कैप के लिए, बट ये हमारे समझने के लिए है। ये चेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हर समय पे, जिस समय पे भी ट्रेडिंग हो रहा है, हर एक क्षण पे शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहता है, इसीलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसी रेंज में रहेगा तभी वो उस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अब आती है बारी मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जिस समय हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उस समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लार्ज कैप में कम से कम 50% का एलोकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो बचा 50% है उसमें से 25% हम स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो जो उतार चढ़ाव है उसको झेलने में ज्यादा सक्षम होती है, उसके रिस्पेक्ट में मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपेरेटिवली जो शॉक बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। इसीलिए जब हम लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लार्ज कैप में कम से कम 50% का एलोकेशन हो, ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा ना रहे, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में जो फॉल या अप मूव है वो एक सर्टेन लिमिट में होता है। इसीलिए लार्ज कैप में 50% होना ही चाहिए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड लेवल पे रहे। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो उतार चढ़ाव है वो ज्यादा तो होता है, रिस्क उसमें ज्यादा होता है, बट रिवार्ड भी उसी रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप को भी हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए ताकि लंबे समय में जो हमारा ग्रोथ है वो बरकरार रह सके। मार्केट कैपिटलाइजेशन में बस इतना ही, आगे के कीवर्ड्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।